चलिए आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का संरचना सूत्र, यानी किसी भी जो मतलब आप किसी भी कह सकते हैं यौगिक का संरचना सूत्र कैसे बना है ना, संरचना सूत्र कैसे लिखे। आपके एग्जाम में प्रॉपर 5 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं, बेंजीन का सूत्र लिखे है ना, या बेंजीन का हम आपको नया ट्रिक देंगे अभी है ना, ये क्लास 12th में भी समझाया जाता है जो कि आप 10th में ही समझ जाइएगा है ना। उसके बाद आपको बता दें कि मतलब आपसे प्रॉपर पूछा जाएगा कि बेंजीन है ना, जैसे पेंटेन, इधर देख लीजिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सब क्या है, इस सब का संरचना सूत्र लिखे है ना। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। आपको बता दें थोड़ा लाइट का भी समस्या चल रहा है ना, इसलिए प्रॉपर वीडियो आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन जस्ट आपको प्रॉपर वीडियो देंगे और लाइटिंग का भी थोड़ा रेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मिथेन आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर आपको बता दें मिथेन, मिथेन का CH4 होता है, क्या होता है, CH4 होता है मिथेन का, CH4 इसका जो होता है C है ना, यहाँ पर देखिए एच, यहां भी एच और यहां भी, और यहां भी, चारों तरफ इसे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, देखिए यहां पर, ठीक है। एक बॉन्ड में सिग्मा एक पाई अवेलेबल होता है, आपको पता होगा। इथेन C2H6 होता है, यानी आपको सी क्या गो, दो गो सी, क्या गो एच, 6 गो एच, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एच। उसका आता है प्रोपेन, प्रोपेन का C3H8 होता है, क्या होता है, C3H8, यानी C3H8 गो, तो 1 2 3 और एच कितना है 8 गो, 3 इधर 2 6 और 3 3 6 2 8, ठीक है। अब होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का होता है C4H10, अब 1 2 3 4, यानी इसमें C कितना है 4 है, H कितना है 10, तो 3 2 5 2 7 और 3 10। अब होता है पेंटेन C5H12 को पेंटेन बोलते हैं, यानी आप कह सकते हैं देखिए C कितना है 5 C है इसमें और H कितना है 12, H कितना है 12, देख लीजिए गिनती कर लीजिए 3 3 अंतिम होता 6 और 6 2 8 2 10 और 2 12। इस तरह से देखिए हेक्सेन C6H14, ये तो आपको इजी लगेगा, यहां तक 6 आपको इजी लगेगा, उसके बाद का जो पैटर्न है वो समझना पड़ेगा आपको है ना। C6H14 यानी यहां पर क्या है, C1 2 3 4 5 6 6 है, देख लीजिए C6H कितना है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां तक आपके एग्जाम में कभी कभी देखिएगा, एक एग्जाम हम देखे थे यहां पर है ना, एक क्वेश्चन बैंक में QB में कि 5 मार्क्स में डाल दिया था, ठीक है, 5 मार्क्स में केमिस्ट्री में दे दिया था 5 मार्क्स में, ठीक है। कभी कभी दे देता है कि जो क्या कहते हैं दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब देखिए अगला है कि मोनोक्लोरोमिथेन या डाइक्लोरोमिथेन क्या होता है, इसका कितना होता है, तो देखिए या मोनोक्लोरोमिथेन का है या डाइक्लोरोमिथेन का है, इसका CH3Cl होता है, यानी C1H3 और क्लोरीन है वो, देखिए C1H और 3 H3 है, क्लोरीन एक, ठीक है। इस तरह से एथनॉल C2H5OH होता है, यानी C2 C2 O1 क्या है सिंगल बॉन्ड O1 H, और से H कितना है देखिए 5 है तो 5H और 1H इधर है तो 1H इधर, ठीक है। H मतलब हाइड्रोजन होता है, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन होता है, इतना समझ में तो आता होगा, चलिए ठीक है। अगला है प्रोपोनॉल, इसका होता है C3H7OH, सेम चीज बनाइएगा, C3 रहेगा, H7 गिन लीजिएगा, H7 है और OH इसके साथ जुड़ा है, OH मतलब हो गया यहां पर अल्कोहल, OH का मतलब जो हो गया यहां पर अल्कोहल हो जाएगा। अगला एथीन आपको दिखेगा ना, सी डबल बॉन्ड होगा यहां पर, सी होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, इसका 4 हाइड्रोजन हो जाएगा इसका, यानी सी डबल बॉन्ड और एच हो जाएगा 4 इसका। एथनोइक अम्ल क्या क्या होता है देख लीजिए, इसका होगा सी है ना डबल सी, यानी सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और यहां पर एच ट्रिपल इधर और ओ के साथ एक एच जुड़ जाएगा, एक और ओ देखिए एच जुड़ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। उसका होता है ब्यूटोनोन, इसका मतलब होता है यहाँ ब्यूटोनोन का यहाँ हो जाएगा 4C हो जाएगा, कार्बन 4 गो, इसमें कार्बन 4 होगा, तो देखिए 1 2 3 4 4 कितना है इसमें 4 कार्बन होगा, इसमें क्या होगा 4 कार्बन हो जाएगा। एच देखिए 3 और इधर 2, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ओ और यहाँ क्या है एच कितना 3, इस तरह से क्या हो जाएगा ब्यूटोनोन। उसके बाद देखिए ब्रोमोपेंटेन क्या होगा, ब्रोमोपेंटेन क्या हो जाएगा CHHH है ना, तो यानी यहाँ पर C5 होगा और लास्ट में BR जुड़ जाएगा और एच कितना होगा देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11, इस तरह से आपको क्या करना है। देखिए आप समझिएगा, कहिएगा कि वीडियो प्रॉपर आप समझा रहे हैं, इस वीडियो का प्रॉपर उद्देश्य क्या होगा, इस वीडियो से क्या होगा, आपको एक नोट बना लेना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा है ना, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस चीज का, ओके।
आपको इकट्ठा नहीं मिल पाता, वो इकट्ठा मिल जाएगा आप इस वीडियो के माध्यम से आपको। ओके, भूमिपंडन देख लिया, उसके बाद हेक्सनल देखिए। इसमें क्या है, आपको इसमें सिक्स सिक्स मिलेगा, सी मनी सी जो है सिक्स मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड के साथ ओ है उधर, एक एच और बाकी सब पर एच बैठेगा, यानी सब पर हाइड्रोजन बैठ जाएगा। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और इधर एक 12 को एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन सी ट्रिपल सी, एक लास्ट में क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरोप्रोपेन है तो क्लोरीन जुड़ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोजन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड क्या होगा, सी है, अब इसके साथ एच एच एच, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, क्लोरीन 1 रहेगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन रहेगा, ठीक। उसके बाद इथाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल सी हो जाएगा डबल इसका, और 3 इसका क्या हो जाएगा, एच इधर और 2H इधर, 5H हो जाएगा, एक अल्कोहल इसका OH हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए प्रोपेनॉल होता है C3H4, यानी सी जाएगा ट्रिपल, तो यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड होगा यहां पर, ठीक है सी। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी जाएगा, डबल में ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा यहां पे, और एच कितना हो जाएगा, 4H हो जाएगा इसका, ठीक। इस तरह से ब्रोमोपन का देख लीजिए, ट्रिपल सी होगा लास्ट में एच जुड़ेगा और बीआर लास्ट में जुड़ जाएगा। प्रोपीन का देख लीजिए, C3H6 C3 रहेगा और H6 रहेगा, ये प्रोपीन का हो गया। एथिलीन का देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड होगा यहाँ, ओ के साथ ओ हो जाएगा और इसके बाद सब एच हो जाएगा, ठीक है, ये इथिलीन हो जाएगा। इस तरह से इथाइन हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ रहेगा, एक एच इधर और एक एच इधर। फॉर्मिकन, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से फॉर्मिकन यानी सी डबल बॉन्ड के साथ ओ, एक एच और फिर एक ओ और एक एच। इथिन का हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच हो जाएगा एक और एक एच इधर से दीजिएगा, एक एच उधर और बाकी बात 2H इधर, ठीक है, ये इथिन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मलाइड का देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ, एक एच इधर, ठीक है। इथेनोइक अम्ल का देख लीजिए, सी और बाकी तरफ क्या हो जाएगा, एक एच 2H 3H, यानी सी इधर 3H हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड के साथ ओ हो जाएगा, ओ के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एक सिंगल बॉन्ड के साथ एच हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन का देख लीजिए, सी और इधर सी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ सी, उसके बाद फिर एक यहाँ पर होगा, फिर ऊपर ऊपर की ओर जाएगा सी, बेंजीन का सी यहाँ पर फिर देखेगा, सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पर सी होगा, फिर एक एच होगा, एच तो चारों तरफ रहेगा, सी डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। इस तरह से आप बेंजीन का ये भी होता है, आप लास्ट ट्वेल्थ में ये भी पढ़िएगा आगे बेंजीन का, ठीक है। हेक्सेन का देख लीजिए, बाकी बात हेक्सेन का सी है यानी 4C 5C हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, बाकी सब एच रहेगा इस पे। उसका प्रोपेनॉल का हमने देख लीजिए, C2H5C2H होता है, यानी सी टू तो 2C हो जाएगा, C3 होगा, सॉरी यहाँ पे C2 ही होगा क्या, हाँ C3 होगा यहाँ पे, C3H, बाकी बात एक O डबल बॉन्ड के साथ, एक O सिंगल बॉन्ड, उसके बाद H। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से आते हैं, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो पेंटेन तक यहाँ ले लीजिएगा, 5 नंबर पेंटेन है, यहाँ तक आपको VVI होता है। उसके बाद इसमें से आपको देखने को मिलता है यानी ब्यूटोन से लेके और हेक्सेन तक 3 क्वेश्चन में से आपको ये मोस्ट VVI हो जाएंगे। उसके बाद इधर आपको है ना प्रोपेनॉल एक हो जाएगा और एक इधर का प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपाइन और प्रोपेनॉल हो जाएगा, बस प्रोपेनॉल, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप इसका एक ऑलरेडी चार्ट बना ले, है ना, अगर बनाए हुए हैं तो बढ़िया है और नहीं बनाए हो तो इसका एक ऑलरेडी चार्ट बना ले, और इससे क्या होगा, आपने जो भी इसका मतलब अभी संरचना सूत्र देखा वो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, और लिखे रहिएगा तो और बेटर आपको समझ में आएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें, ठीक है, धन्यवाद।